तो हाय गाइस, पुनीत इज बैक विद न्यू सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम बात करने वाले अबाउट 4K के ऊपर ब्रीफली। आप सब लोग देख रहे होंगे, सारे कैमराज जो मार्केट में अभी रिसेंटली नए आ रहे हैं, वो सभी के सभी कैमराज में 4K दे रखा है। बट अभी भी हम सब लोग, जो लोग कैमराज परचेज भी कर लेते हैं 4K वाला, हम सभी लोग कतराते हैं 4K को शूट करने में। पता ही नहीं क्यों ये इंडस्ट्री अभी तक इंडिया की स्पेशली वो 4K पे ट्यून अप नहीं हो पाई है। अगर मैं बात करूं बाहरी विदेशी कंट्रियों की, तो वो ऑलरेडी 8K के ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय में वो अपने 8K से स्टार्ट कर चुके होंगे शूट करना। और इंडिया अभी तक फुल HD पे ही सीमित है, अभी तक 4K पे भी स्विच नहीं हो पाया है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको 4K के क्या बेनिफिट्स हैं, 4K होता क्या है, और साथ में सोनी के कैमराज में आपको 4K से रिलेटेड क्या सपोर्ट मिलता है। अगर आप सोनी के कैमकॉर्डर्स या सोनी का कोई भी मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहे हो और उसमें 4K दे रखा है, तो आप अगर 4K शूट करते हो तो उसमें क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में मैं डीपली आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेट्स गेट वी स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज 4K और व्हाई इट इज बेटर देन फुल HD। 4K का जो रेजोल्यूशन साइज होता है वो होता है 3840x2160, और एक और रेजोल्यूशन फाइल साइज होता है जो कि होता है 4096x2160। 4K फुल HD फाइल से करीबन 4 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप कंपेयर करो रेजोल्यूशन को 1080x1920 को 3 बार, अगर आप इसे 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम रेजोल्यूशन सामने आता है, जिसे हम बोलते हैं 4690 या 3840x2160। ये करीबन आपके नॉर्मल कन्वेंशनल फुल HD से 4 गुना बड़ी फाइल होती है। और अगर आप इसमें पिक्सल्स का जो काउंट देखेंगे वो कंपैरेटिवली फुल HD से करीबन 4 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब है जब आपको अपने किसी भी वीडियो को जो भी 4K में फॉर्मेट में शूट हुआ हो, अगर आप किसी भी डिस्प्ले पे देखेंगे तो वो आपको फुल HD से करीबन 4 गुना ज़्यादा शार्प दिखती है या क्लोज टू ह्यूमनाइज दिखती है। 4K की जो फाइल्स होती हैं वो क्यों मैं बोली जाती है, क्यों मैं बोल रहा हूँ क्लोज टू ह्यूमनाइज दिखती है, क्योंकि उसके अंदर जो कलर स्पेस काम करता है वो होता है BT2020। और BT2020 जो कलर स्पेस है वो लगभग हमारे ह्यूमनाइज के बराबर के कलर्स को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से जब आप 4K वीडियो को किसी 4K टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं तो आपको वो बिल्कुल एक रियल एक्सपीरियंस वाला फीलिंग लेके आता है वो वीडियो। आपको लगता है कि आप उस वीडियो को बिल्कुल फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो इतने ज़्यादा हाई पिक्सल्स और इतने ज़्यादा हाई कलर इंटेंसिटी के ऊपर बना होता है, जो लगभग आपके ह्यूमन आइज को रेप्लीकेट करते हैं। इसीलिए 4K बोला जाता है कि अगर आपके पास अगर 4K कैमरा है तो आप 4K शूट करना स्टार्ट करिए। और 4K वन ऑफ द गुड ऑप्शन है अगर कोई हाई क्वालिटी क्लाइंट को आप अपना काम दिखाना चाहते हो और देना चाहते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 4K में आपको 2 रेजोल्यूशंस देखने को मिलते हैं, जो कि होते हैं 3840x2160 और 4096x2160। तो मार्केट में लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रखता है चलता है इन 2 रेजोल्यूशन को लेकर के, क्योंकि जो 3840 रेजोल्यूशन होता है वो होता है आपका QFHD, जिसको बोला जाता है क्वाड फुल HD। और 4K जो एक्चुअल फाइल होती है वो होती है 4096x2160, जो एक्चुअल 4K होता है। अब मैं बात करता हूँ सारे जितने भी कंज्यूमर ग्रेड कैमराज आते हैं जो लोग हम यूज़ करते हैं, DSLRs और कैमकॉर्डर्स, वो सभी के सभी आपको रेजोल्यूशन बना के देते हैं 3840। बहुत ही गिने चुने DSLRs या कैमराज में आपको 4096 का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, कंपनीज़ हमें फेक 4K दे रही है या ओरिजिनल 4K दे रही है, इस लोगों ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कस्टमर्स के दिमाग के अंदर। एक्चुअली होता क्या है, जो 3840 वाला साइज है वो होता है 16:9 के एक्सपेक्ट रेशो के ऊपर। हमारे जो कैमराज डेवलप होते हैं वो बेसिकली TV की स्क्रीन के बिहाफ पे ही डेवलप किए जाते हैं, और TV की स्क्रीन का जो एक्सपेक्ट रेशो होता है वो 16:9 होता है। आज से पहले अगर मैं आपको पुरानी सदी में ले चलूँ, जब हमारे पास CRT मॉनिटर्स हुआ करते थे, तब हम 4:3 के एक्सपेक्ट रेशो पे वीडियो शूट किया करते थे, जो कि एक स्क्वायर वीडियो होता था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया शूट करना फुल HD वीडियो, जिसका एक्सपेक्ट रेशो हुआ करता था 16:9, जो कि एक लंबा एक्सपेक्ट रेशो होता था, जब हमारे LCD पैनल और लंबे पैनल मार्केट में आना स्टार्ट हो गए। 16:9 एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेक्ट रेशो रहा और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट किया गया।
उसके बाद क्या हुआ कि जब 4K आया तो 4K का रेजोल्यूशन रहा 4096, जो कि 16:9 एक्सपेक्ट रेशो को सपोर्ट नहीं करता था, वो 17:9 के एक्सपेक्ट रेशो को सपोर्ट करता था, जो कि एक लंबा वाला एक्सपेक्ट रेशो होता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर आप 17:9 पे वीडियो शूट कर लेते हैं और उस वीडियो को आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे चलाओगे तो आपको ऊपर और नीचे एक काली पट्टी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से सेम एक्सपेक्ट रेशो को 4K के अंदर लाने में कंपनी ने कुछ क्रॉपिंग का यूज़ किया और कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक नया एक्सपेक्ट रेशो नया रेजोल्यूशन बनाया, जिसे बोला जाता है QFHD, जो कि होता है क्वाड फुल HD, जिसका एक्सपेक्ट रेशो होता है 16:9 का। सभी कंज्यूमर कैमराज, क्योंकि सभी कंज्यूमर कैमराज को रेप्लिकेट किया जाता है स्क्रीन के डिस्प्ले पे, क्योंकि हम जितना भी कैमरा कंज्यूमर कैमराज से वीडियो शूट करते हैं वो मैक्सिमम हमारे लैपटॉप पे चलता है या फिर मैक्सिमम हमारे टीवीज पे चलता है। इसीलिए 16:9 के सेम एक्सपेक्ट रेशो को लेगेसी को फॉलो करते हुए नया रेजोल्यूशन बनाया गया, जिसे बोला जाता है 3840। ये 4K ही है, सभी कैमराज में ये 4K के नाम पे ही आता है और ये ऑब्वियसली आपके जो फुल HD रेजोल्यूशन होता है 4 गुना बड़ा होता है, 4 गुना बेहतर होता है और इसमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी वजह से सभी कंज्यूमर कैमराज में जो 4K दिया होता है वो 4K ही होता है। लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन है कि कंपनीज बेवकूफ़ बना रही है हमें कि वो 4K नहीं देती 4K के नाम पे, तो यही 4K है, एक्चुअल 4K है। जो 4096 वाली फाइल होती है वो सिनेमा ग्रेड की फाइल होती है। अगर आप सिनेमा स्कोप वाले कैमरा लेते हैं, जैसे सोनी का FS5 आता है, FS7 आता है, वो सभी कैमराज 4K 4096 पे शूट करते हैं, जो कि 17:9 के एक्सपेक्ट रेशो पे होते हैं। अगर मैं आपको लेके जाऊँ, अगर आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो आपको बड़ी लंबी चौड़ी स्क्रीन दिखती है जो कि 17:9 के एक्सपेक्ट रेशो के ऊपर बेस्ड होती है और वो सिनेमा कैटेगरी के लिए स्पेशली काम आती है। तो अगर आप अगर सिनेमा कैमरा अगर आपको अभी वीडियो शूट करना है जो स्पेशली आपके सिनेमा थिएटर पे जाना चाहता है जाने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिनेमा ग्रेड कैमरा ही लें, कंज्यूमर ग्रेड कैमरा ना लें। और अगर आप एक कैमरा यूज़ कर रहे हैं जो आपके टीवी और लैपटॉप और मोबाइल पे सीमित है, तो उसके लिए 16:9 का एक्सपेक्ट रेशो भी बहुत ही बेहतर कारीगर होता है, क्योंकि इसमें काली पट्टी ऊपर नीचे आपको आपकी डिस्प्ले पे नहीं दिखाई देगी। यही एक अंतर होता है मेन जो 4K 3840 और 4690 के बीच में देखने को मिलता है और लोगों के दिमाग में इसका हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। इसके बाद बात करते हैं सोनी के ऊपर 4K का सपोर्ट। सोनी के अंदर आपको XAVC कोडेक देखने को मिलता है। अगर आप एक कैमकॉर्डर यूज़ करते हैं सोनी का, या अगर आप एक DSLR मिररलेस कैमरा यूज़ करते हैं सोनी का, तो आपको देखने को मिलेगा सोनी के फाइल फॉर्मेट के अंदर AVC-SD के बाद आपको XAVC दे रखा होगा। XAVC एक फॉर्मेट है जो कि वन ऑफ दी सोनी का खुद का बनाया हुआ कोडेक है। कोडेक मैं पहले बता देता हूँ होता क्या है। जैसे कि कैमरा RGB के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, RGB के सिग्नल्स कैमरा के प्रोसेसर में जाते हैं और उसे प्रोसेस करके और कंप्रेस करके आपको एक वीडियो फाइल बना के देते हैं। तो कोडेक उसे कंप्रेस करता है, उसमें ऑडियो ऐड करता है और आपको एक फाइल बना के देता है, जो फाइल आप अपने लैपटॉप में चला पाते हो, इसे ही कोडेक बोलते हैं। तो सोनी के खुद का कोडेक है XAVC, जो कि सभी सोनी के कैमराज में डला होता है और उसका बेनिफिट ये होता है कि सोनी होता है कि जो 4K का साइज़ होता है, क्योंकि हम अभी तक 4K इसलिए नहीं शूट करते क्योंकि 4K की जो साइज़ होती है वो बहुत बड़ी बनती है, 500 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps और करीबन 1 मिनट की फाइल 2-2 GB 1.5 GB का स्पेस रोक लेती है। इस वजह से हम लोग कतराते हैं 4K को शूट करने में। सोनी ने इसके लिए सोल्यूशन दे दिया है जो कि है XAVC। XAVC का बेनिफिट यही है जैसे मैंने बताया आपको, वो बिटरेट को कम कर देता है, मतलब वीडियो को कंप्रेस कर देता है और आपको छोटा सा छोटा फाइल बना के देगा 4K की। सोनी के कैमकॉर्डर्स में आपको 4K का जो साइज़ मिलता है वो होता है 60 Mbps और 100 Mbps के ऊपर बेस्ड। मतलब अगर आप एक मिनट की फाइल शूट करते हैं तो आपका जो फाइल का साइज़ बनेगा वो हार्डली 150 MB से 200 MB के बीच में आपको 4K का साइज़ देखने को मिलेगा 1.5 मिनट का। बहुत ही छोटा 4K का फाइल आपको सोनी के कैमराज में देखने को मिलेगा और आप उसे आसानी से शूट करके अपने किसी भी नॉर्मल लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोसेस कर सकते हो, इवन स्मार्टफोन पे भी प्रोसेस कर सकते हो। मेरे पास एक स्मार्टफोन है LG का और मैं सोनी का एक कैमकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ NX80, जिसमें आपको 4K देखने को मिलता है। तो उस 4K फाइल को मैं अपने स्मार्टफोन में आसानी से प्रोसेस करके एडिट करके और अपने कस्टमर को प्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि बहुत easy to use है मेरे लिए, क्योंकि 4K की साइज का फाइल इतना सा हो गया है फुल HD के बराबर का। अगर आप सोनी के फुल HD पे शूट करेंगे XAVC पे तो 50 Mbps की फाइल बनती है और 4K के ऊपर 60 Mbps, सबसे छोटी आज तक की सबसे छोटी फाइल जो कि सोनी आपको लेकर देता है अपने कैमरा के थ्रू। तो अगर आप सोनी का कैमरा परचेस करते हैं तो आप 4K के लिए रेडी हो रहे हैं, मतलब आपको उसमें बड़ी फाइल शूट करने का
प्रॉब्लम नहीं होगा, आप छोटी से छोटी फाइल शूट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, नॉर्मल जो एसडी कार्ड आते हैं, सस्ते वाले एसडी कार्ड, आपको अलग से महंगे एसडी कार्ड नहीं खरीदने, उसके लिए जो एक्सक्यूडी कार्ड आते हैं और जो SYS कार्ड आते हैं या सी फास्ट कार्ड आते हैं, जो महंगे महंगा मीडिया आता है, वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल कार्ड्स के अंदर ही 4K को शूट करके और क्लाइंट को बना के दे सकते हैं कम से कम स्टोरेज के अंदर। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सोनी की तरफ से नई टेक्नोलॉजी सोनी ने प्रेजेंट करी है, और ये सोनी के सभी कैमराज में आपको देखने को मिलती है ट्रबल शो। तो ये था अबाउट 4K और 4K के ऊपर सारे सपोर्ट जो कंपनीज की तरफ से आपको मार्केट में मिल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ साथ में हिट करें लाइक बटन को, कमेंट करें बिलो सेक्शन के अंदर, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है। अगर आपको ये पसंद आया तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोग 4K एटलीस्ट शूट करना स्टार्ट करें और अपने कस्टमर्स को 4K वीडियो दें, ताकि लोग 4K का मज़ा उठा पाएँ, बिल्कुल क्लोज टू आइज़ वाला फीलिंग अपने वीडियो में ले पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो ये अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून, स्टे रॉक।